नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के फेफाणा थाना के अंतर्गत आने वाली गांव ढाणी लालखा में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन जने घायल हो गए। तीनों घायलों का नोहर राजकीय उपजिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। रविवार अल सुबह गांव में गोली चलने से दहशत फैल गई। गोली चलने से ढाणी लालखा निवासी मानसिंह साहू, जो जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मानसिंह अपने परिवार जनों व पड़ोसियों के साथ रविवार सुबह मैन चौपाल में अपने दादा के घर के आगे बैठा था, तभी किसी ने आकर अचानक गोली चला दी, जिससे मानसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गोली के छर्रे लगने से पास में बैठा मानसिंह का भाई संजीव व पिता मदनलाल साहू भी घायल हो गए। घटना में पड़ोसी मांगेलाल सहारण के भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां उनका तुरंत उपचार शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि बीती रात्रि गांव में जागरण के दौरान मृतक मानसिंह का गांव के ही किसी एक जने के साथ झगड़ा हो गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत किया था। मृतक मानसिंह के एक पुत्र है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। परिवार के सदस्य ने बताया कि गांव के नाजिया जाति मुसलमान पहले तलवार लेकर आया था, फिर कुछ समय बाद अपने 5-7 साथियों के साथ तलवार व हथियार लेकर आए थे और पलक झपकते ही मानसिंह पर गोली चला दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नोहर से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, बताइए क्या कुछ पूरा मामला है। जी, मैं बताना चाहता हूं, ये पूरा मामला गांव लालखा वाली डांडी का है। जी, पिछली रात्रि कोई फौजी का जागरण था, उसने मानसिंह के साथ किसी व्यक्ति हुआ था। जी, लोगों ने बीच बिचाव कर उसी समय तो मौके से दोनों लोगों को शांत कर दिया था। जी, उसी वारदात को लेकर के सुबह आज रविवार को सुबह ये घटना हुई थी। जो मानसिंह अपने दादाजी के चौकी पर बाहर बैठा हुआ था, उसी समय गांव का एक युवक आया। जी, और एक वो आपके साथ में कई लोग अन्य भी थे, हथियारबंद लेकर आया था और अचानक से मानसिंह पर फायरिंग की, तो मौके पर उनकी मौत हो गई। जी, और 3-4 अन्य लोग घायल हो गए। जी, सभी को नोहर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जी, इनका इलाज चल रहा है, स्थिर है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि नोहर बाईपास पर अभी धरना जारी है सुबह से ही। जी, लगभग आज 4 घंटे बीत जाने के बाद धरना लगातार जारी है, और अब मौके पर जिला कलेक्टर और SP विकास सांगवान पहुंचे हुए हैं और धरना स्थल पर उनकी वार्ता हो रही है। जी, मैं आपसे विनोद जी ये भी जानना चाहूंगा कि ये मामला आपसी रंजिश का है या किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, कारण क्या रहा इसका? हाँ जी, सुनने में आया कि इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, उसकी वजह से ये मामला बताया जा रहा है, इसकी तरह मामला बताया जा रहा है। जी, और विनोद जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन इसमें फिलहाल तक क्या कुछ कार्रवाई कर पाया है? पुलिस प्रशासन ने अभी तक हमारी जानकारी में आया है कि 7 टीमों ने उन्होंने गठित कर रखी है और हरियाणा, राजस्थान, अन्य जगहों पर टीमें पहुंच गई है और वहां जांच पड़ताल कर रही है, तलाश कर रही है आरोपियों की। जी, और मैं बता देना चाहता हूं कि इनके जो धरना स्थल पर सुमेर गिरी जी विश्व हिंदू जागरण प्रमुख है जो बैठे हैं, उनकी मांग है कि परिवार के जो एक सदस्य की मौत हुई है उनकी जगह एक परिवार के सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ रुपए और अन्य जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजे की तरफ से दिया जाए और जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जी, ये मांग है। जी बिल्कुल, मतलब कि प्रशासन से और सरकार से परिजनों ने ये मांगे रखी हैं, जिस प्रकार से आपने बताया कि मृतक के एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और 1 करोड़ रुपए और इसके साथ ही घायलों को 50-50 लाख रुपए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिन्होंने हमला किया उनके पास हथियार कहाँ से आए? जिन्होंने हमले किए थे उनके पास हथियार है, उनसे पहले से उपलब्ध थे, उन्होंने बस 10 मिनटों में आए और उन्होंने मानसिक पर आते ही फायरिंग की और उनके हाथों में जानकारी के मिली है कि किसी ने तलवार ले रखी थी, किसी ने भाला ले रखा था, कि अन्य भी धारदार हथियार ले रखे थे। जी, इस खबर पर अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और जिस भी प्रकार की अपडेट होगी हम आपसे आगे लेंगे। जी, थैंक यू। जी, जिस प्रकार से हमारे संवाददाता विनोद चौधरी ने बताया कि किस प्रकार से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, आपको एक बार फिर से बता दूं कि मृतक के पिता मदनलाल जाट ने बताया कि करीब 4 साल पहले गांव के राधा कृष्ण मंदिर में विश्व हिंदू परिषद संगठन में बजरंग दल की बैठक हुई थी। हिंदू समाज की इस बैठक से नाजिम खान मानसिंह से रंजिश रखने लग गया था, यानी कि बैठक हुई विश्व हिंदू परिषद की और
मानसिंह से रंजिश रखने लगा नाजम खान, मगर यह झगड़ा रविवार सुबह करीब यानी कि आज सुबह 8 बजे खूनी संघर्ष में बदल गया। सुबह करीब 11 बजे नोहर रोड भादरा पर विश्व हिंदू संगठन जिला सह मंत्री दलीप सोनी के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया है, जो अभी तक लगातार जारी है। मृतक मानसिंह के बड़े भाई संजीव को नोहर हॉस्पिटल में इलाज उनका चल रहा है और नोहर अस्पताल से घायल मदनलाल व मांगीलाल को हनुमानगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया है और बदमाशों व हत्यारों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21।